अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल की नई नोटिफिकेशंस और अपडेट जानने के लिए रेड बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि YouTube पे सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है और इसके कोई पैसे नहीं लगते, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मटन कोरमा। ये ई स्पेशल रेसिपी है। ये बहुत ही पॉपुलर डिश है नॉर्थ इंडिया की, स्पेशली दिल्ली और यूपी में तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और दोनों जगह इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ले आज हम यूपी स्टाइल कोरमा बनाने जा रहे हैं, यूपी स्टाइल मटन कोरमा। इसकी जो ग्रेवी है उसका जो की इंग्रेडिएंट होता है वो है क्रिस्पी फ्राइड अनियन और कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसे हम ग्राउंड फॉर्म में या क्रश फॉर्म में यूज़ करते हैं। आइए तो हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। उम्मीद है आप सबको हमारी ये बनाई हुई रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो मटन लिया है जिसे धोकर साफ़ कर लिया है। मटन आप अपनी चॉइस का कोई सा भी ले सकते हैं। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसका पेस्ट हमें तैयार करना है। ये 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक खड़े मसालों में 2 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, 5-6 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। ये चीज़ें इसमें जाएंगी बघार में। और ये हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं जिसे इस तरीके से क्रिस्पी फ्राई कर लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके साथ हमने ये 1 टेबलस्पून यहाँ पे सूखा नारियल, उसे फ्राई कर लिया है। 4 बादाम हैं, उसे भी प्याज के साथ हल्का गुलाबी फ्राई कर लिया है। 4 काजू, इन्हें भी फ्राई कर लिया है। और ये 1 टीस्पून हमारे यहाँ खसखस जाएगी, इसे हमें इसी के साथ पेस्ट बनाकर बनाना है। इससे फ्लेवर जो है, टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है, ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और ये 1 बाउल मखाने हैं, ये भी हम थोड़े ग्रेवी में यूज़ करेंगे और बाकी गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये बेसिकली ग्रेवी को थिक करने के लिए हम यूज़ करेंगे, ऐसा जिसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता। इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर या 3 टीस्पून हमने यहाँ धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेस्ट। ये 1 कप इसमें दही जाएगा, दही हमें फेंट कर यूज़ करना है। और ये हमारा 1 कप ऑयल, और खुशबू देने के लिए हम केवड़ा वाटर लास्ट में दम करेंगे। सबसे पहले हम ये ऑयल में जो मखाने हैं उन्हें फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्प हो जाएं। हमने वही ऑयल लिया जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया है, गोल्डन फ्राई, क्रिस्पी फ्राई किया है। देखिए हमने मखानों को अलग निकाल लिया है, वो फ्राई हो चुके हैं। हमने ये सारे खड़े गर्म मसाले ऑयल में छोड़ दिए हैं। अब हम यहाँ पर गोश्त ऐड कर लेते हैं और इसे इसका कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। टाइम के हिसाब से इसे लगेंगे 2.5 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से भूनकर तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे 3 टेबलस्पून, और इसे जब तक भूनेंगे जब तक कि इसकी रॉ स्मेल ना निकल जाए, 2.5 से 3 मिनट। ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इसे भून लिया है। अब हम यहाँ पर पिसे मसाले और जो प्याज का पेस्ट हमने 3 मीडियम साइज़ दिखाई थी उसका पेस्ट तैयार कर लिया है, वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये प्याज का पेस्ट हमने यहाँ तैयार करके ऐड कर लिया, और ये जायफल और जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून ईच, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेस्ट। और इसे अब हम भून लेंगे। इसे हमें मसाले को जब तक भूनना है जब तक कि इसके ऊपर तेल नज़र ना आने लगे। इसे हमें भूनने में 5 से 6 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए मसाला जो अच्छी तरीके से भून चुका है, तेल ऊपर नज़र आने लगा है। अब हम इसे प्रेशर कुक कर लेते हैं। पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी गोश्त ने अपना छोड़ दिया है। इसे हम 2 विसल देने के बाद इसे प्रेशर में ही छोड़ देंगे और फिर आपको खोल के दिखाते हैं। देखिए गोश्त गला है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। अगर गोश्त नहीं गला तो आप उसमें 1-2 सीटी और लगा सकते हैं, क्योंकि गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है उसका गलना। ये देखिए गोश्त जो अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है, 90% तक टेंडर करना है क्योंकि अब हम इसे भूनेंगे तो
अगर ज़्यादा भून हमने इसे गला लिया तो भूनते टाइम गोश्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा गल जाता है और पीसेस जो हैं हड्डी से अलग होने लगते हैं। तो अब हम इसे भून लेते हैं। सारे पानी को खुशक कर लिया है हमने, उस जो भी बचा हुआ था। 7 से 8 मिनट लगे हैं इस पानी को खुशक करने में हमें, ये देखिए। अब यहाँ पर हम ये दही ऐड कर लेंगे। दही 1 कप है हमारा, और दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं है, मीडियम है। और इसे भी हम इसका पानी खुशक होने तक भून लेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे हमें भूनने में। ये देखिए सारा पानी खुशक हो चुका है दही का। दही भी हमने भून लिया है मटन के साथ। अब हम यहाँ पर ये फ्राई करी हुई प्याज और जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करे थे और खसखस, उन सब का पेस्ट तैयार कर लिया है। इससे इस ग्रेवी में जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये 6-7 मखाने उन्हें क्रश करके हम यहाँ ग्रेवी में ऐड करेंगे। ग्रेवी इससे हमारी जो है वो थिक बनेगी। एज सच मखानों में कोई टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ ग्रेवी थिक करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और अब इस मसाले को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं 8 से 10 मिनट। ये देखिए मसाला भुनने के बाद कितनी रंगत चेंज हो गई है इसकी। मसाला जो अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। मैंने यहाँ 1 कप पानी ऐड कर लिया है और इसे पकने देते हैं 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो सेट हो जाए। ये देखिए पककर बिल्कुल तैयार है मटन कोरमा हमारा। अब यहाँ पर आकर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें जो गरम मसाला हमने दिखाया था 1 टीस्पून वो ऐड कर लेते हैं। हाँ, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और खुशबू के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। इसे खुशबू बहुत अच्छी आती है कोरमे के अंदर, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है मटन कोरमे की। अब हम इसे ढककर रख देंगे ताकि केवड़े वाटर की खुशबू इसके अंदर आ जाए और रोगन बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर आ जाए। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा मटन कोरमा। आप लोग भी इस रेसिपी को इस ईद पर ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।